आपकी जो है वो प्रोसीजर है सब प्रश्नों का समाधान करने के लिए। अस्सी किलोमीटर है गाड़ी से आना जाना कोई खास बात नहीं है। आना जाना गैदरिंग कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार वहाँ क्लास होता है। आपस में मिलने मिलने से थोड़ा खुशी ज्यादा बढ़ती है परिवार को देखने से। लेकिन वो वहाँ एक ही है, इंडियन इंडियन ही है। उनका लौटा भी तो लड़का ही पीए था, तैयार कर रहा है। यहाँ तो इंडिया का मेरा मार्क हुआ था वो जीडी बैंक के साथ ही बात है। लेकिन बहुत लॉन्ग नहीं बात हुई थी, 15-20 मिनट में उनसे बात किया था। संडे संडे को दो चार चार से लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी को तो पता नहीं चला आपका ना कुछ नहीं क्योंकि आप तो इंटरनेट से कनेक्ट है, बताई नहीं। आप कुछ बोल लेंगे तो हमें साथ हो जाए सेवा करोगे। लेकिन क्या है कि सेवा भी मेरे को कैसे ना टेक्निक यूज करना पड़ता है। आ जाए टेक्निक यूज किए बिना ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो ऐसा अनुभव है कि बहुत बरस पहले कोई अभाई आया था हमारे जो मैं जहाँ जाती हूँ जीके में गोबर कॉपरेशन जो बड़ा हमारा सेंटर है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ये भाई पेपर सारा लेकर आए थे तो उसने मेरे फादर को पेपर दिया। तो मेरे फादर को एक दूसरा भाई था तो उसको पेपर दिया, क्योंकि जो हमारा वहाँ का सीनियर जो था उसको पेपर दे दिया। तो क्या हुआ कि वो भाई तो आता रहता था क्लास में, लेकिन क्या हुआ कि पता चला कि ये शंकर पार्टी पार्टी का भाई है। तो जो सुदेश दीदी है यहाँ की, तो कभी हमारे क्लास में थी कभी दादी जहाँ की भी थी वहाँ सुदेश दीदी जैसी बहने सीनियर है ना हमारे, तो सुदेश दीदी ने भी उसको बुला के मना कर दिया कि क्लास में तुमको नहीं आना। मेरे को ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, नहीं वहाँ किया था। लेकिन क्या है वो भाई ने जो रिप्ले तो वो दिया ना इसी हिसाब से वो उसको ना दे दिया। वो तो कोई बात नहीं हुई, वो तो कोई बात लिटरेचर ये दूसरे को बांटना पढ़ना उसको फैसला करना ये राइट है या रॉन्ग है ये तो सभी को होना चाहिए ना। तो उन्होंने मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है, मेरे को तो फेथ हो गया है कि बाप बाप कई बार बोली में कहते हैं कि आपको शिव बाप से वर्षा लेना है, शिव बाप से वर्षा लेना है। शिव बाप से नहीं, शिव बिंदु का नाम है और वो आत्माओं का बाप है। वर्षा जहाँ दिया जाता है वो साकार में दिया जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा है और मुक्ति का वर्षा है, तो वो वर्षा लेने के लिए साकार चाहिए। वो मुकर्रर रस की बात है, टेम्पररी रस की बात है। तो मेरा क्वेश्चन उसके संपर्क चलता था उसने, तो फिर जब बीना बेन मिली तो उसने मेरे को क्लियर किया। लेकिन मेरे को अंदर ऐसा अनुभव है कि जो बाप यहाँ ट्रुथ है हम उसे अपने आप क्यों ना मिले और उसको हम क्यों जाने दें। इसीलिए मैं अभी आई हूँ तो मेरे को यही अनुभव करना है। लेकिन क्या है कि जो वहाँ की आत्माएं हैं तो मेरा संकल्प ये है कि वो लोग अपने आप अनुभव क्यों करना नहीं चाहते हैं और वो लोग शंकर पार्टी में तय किया हुआ है, उनको मिसगाइड किया हुआ है शंकर के पार्ट के बारे में, उनको मिसगाइड किया हुआ है। ये तो सूक्ष्म वतनवासी है, शंकर होता ही नहीं है, होता ही नहीं तो मूर्तियाँ कहाँ से आ गई इस दुनिया में। और दुनिया में सबसे जाती मूर्तियाँ नग्न मूर्तियाँ ही हैं, जैनी लोगों के तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन बहुत जैसे वहाँ का तो बहुत ऐसे बहुत अंदर अंदर चलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है। अंदर अंदर ये खुद ही पढ़ती है, खुद ही सुनती है, बीसीडी डीवीडी सुनती है। वो मेरे को वहाँ का गुप्त कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं अपना करती हूँ। लेकिन कोई बाहर कुछ नहीं बोलता है अभी के वो अंदर अंदर इंटरनेट भी देखती है।
चोर बाजा भी जैसे दुनिया में चलती है वहां चलती है, आपको नहीं बताएंगे। नहीं हम बताएंगे लेकिन क्या कहते हैं आपको नहीं बताएंगी, वो नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, वो तो मेरे को 100% बताएंगे, वो लोग तो मेरे को कुछ नहीं बताएंगे। में तो मेरी ऐसी है कितनी माता लगा शुक्ला बहन है ना, वो मतलब पार्क में जाते हैं वो देते हैं मतलब ज्ञान द्वारा, वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, फिर वो जो बताए ना कान में फूंक मार देती है, ऐसी फूंक मारती है वो फिर दूसरे दिन से किनारा करने काटने लग जाती है, मतलब खूब अच्छी से आएंगे घर में भी सुनेंगी वो करके देखती करके, और बताएंगी भी नहीं कि तुम्हारे बारे में क्या कहा, भक्ति मार्ग में कान में फूक मारते हैं गुरु लोग, हाँ, हाँ। किसी को बताना नहीं है, हाँ, बस वो तो बनते किसी को बताना नहीं है। वो दूसरे दिन से साइड में माता है साइड से चली जाएंगे, मैं कहूँगी मस्ती ओम शांति, ओम शांति करके तो ऐसे भागती है कि कुछ मजे में पता नहीं क्या हमारे कान में दूसरा गुरु मंत्र में भूख दे, हाँ मतलब कहीं इनके हाथ में भी रहेंगे तो कुछ पॉइंट फिर कह देंगे ये तो इसलिए बड़ा बुरा हो जाता है। शूटिंग होनी चाहिए ना मुसलमान धर्म की, कान में उंगली देना किसी की बात सुनना नहीं, तो अल्लाह हरी नगर में जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो नहीं कन्वर्ट होंगे, उनका टाइम उधर हुआ है। बाबा मैंने कोर्स किया ये रंग को कोर्स, तो फिर मैं तो मुझे बिल्कुल लिखते आ गया, हाँ? तो मैं तो सबको दो तीन जन को ऐसे साइड में क्लास छूटा ना, तो दो तीन जन को ऐसे क्लास बताने लगी, तो मैं तो प्रत्यक्ष हो गई, मुझे तो गुप्त रहना आया ही नहीं बाबा, गुप्त रहना नहीं आता मुझे। भीम होते हैं ना, भीम सेन कैटेगरी के, वो ब्राह्मण कभी गुप्त नहीं रह सकते, वो अपना अंदर का जो भी आएगा वो सब धरात बम का गोला फोड़ देते हैं। तो फिर पंचायत में कुछ हो जाए, मंगल मंगल पांडे जैसे हमारा एक भाई बोलता है कि मिला दे ना तो क्लास में प्रत्यक्ष हो गई, तो मैंने बोला क्या है बाप के लिए प्रत्यक्ष हो रही है, बाप के लिए तो मैं बोल रही हूँ ना, और तो कोई किसी की बुराई नहीं कर रही है, तो बाप से तो मैंने प्यार किया है तो धरना क्या, मैंने ऐसा ही बोल दिया। अच्छा सबके कानों में बातें गई कि ऐसी भी पांडे पापा मंदिरों में जाके सेवा करें, मतलब उनको न सुना, ये मंदिर ही तो हमारी वो पुरानी दुनिया खत्म हो गई, हमारी पुरानी दुनिया खत्म हो गई कि चल रही है, हमारे लिए पुराना जन्म पुरानी दुनिया खत्म हो गई या अभी चल रही है, जब से बेसिक में आए खत्म हो गई ना, तो हमारे लिए मंदिर भी नहीं है, हमारे मंदिर तो नए है, अब एडवांस आने के बाद हमारे मंदिर कौन से हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया है ब्राह्मणों की दुनिया के मंदिर है वही हमारे मंदिर है, गांवों की गीता पाठशाला है तो और सेंटर है तो संदेश देना है, सुनते हैं तो भी ठीक है, नहीं सुनते हैं तो संदेश तो दे ही दें, आगे चल के जब उनका टाइम होगा तो निकल पाए, मैं लोगों से तो कर सकते हैं जैसे वो तो वैसे तो मिलते हैं, वो कहीं ज्ञान की बात मत करो, मतलब कोई भागेंगे परखना है कौन सुनना चाहता है, कौन प्यार लेना चाहता है, जो प्यार लेना चाहता है उसे प्यार दीजिए। भैरवनाथ का रोल जो बता रहे भक्ति मार्ग है ना, माने बैंक का बाबा का प्यार का रूप भी है, बाबा का मार का रूप भी है, तो बैंक का रूप है। मेरी लौकिक ननद है ना बाबा, तो वो बहुत सालों से चल रही है और सेवा भी बहुत इंटरनेशनल सेवा है उसकी, तो मैंने उसको बताया कि माउंट आबू में तो माँ आती है और बाप है ना यहाँ साकार में आया है, तो उसको थोड़ा एकदम शॉक झटका तो लगा और बोलती है कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं आवन जान कर रहे हैं, तो क्या हम झाड़ू मार रहे हैं यहाँ बाप नहीं आते हैं, तो मैं तो बाप को तो बाप हमको गुमराह कर रहा है क्या, हम माउंट आबू में क्यों आते हैं, वो हमको गुमराह कर रहा है बाप, तो मैं तो बाप मिलेगा उनको गुमराह नहीं कर रहा है, बाबा ने बोला है देवताओं को देवात्माओं को इशारा काफी होता है, और जो मनुष्य होते हैं उनको मुख से बोल करके बताना पड़ता है, जो राक्षस होते हैं वो कहने से भी नहीं मानते, अज्ञातवाणियां निकाल के उनको सारी दिखा दो,
सारी कलेक्शन तुमको दिखा दो, बाबा के महाबा को दिखा दो, दुखे महाभारतीयों में क्या बोला है कि नहीं बाबा ने, क्या दिया ही नहीं नेपाल के लिए। घबराओ मत, बैग बम बाप दादा सामना करने के लिए कोई मनुष्य संघ के द्वारा साकार संघ के द्वारा पृथक हो जाएंगे और अभी भी पृथक हो रहे हैं। तो बाप बाप है तो मौजूद है, तो वो नई बात क्यों नहीं बताते? पुरानी ढेर सारे बात के पुरानी मुझे चला रहे, सुनते ही नहीं ध्यान को, नई बातें ही तो बता रहा है, बिना नई बात के नई ज्ञान की नई दुनिया कैसी स्थापन होगी? नई बात तो बतानी पड़ेगी ना, पुराने ज्ञान से थोड़ा ही नई दुनिया बन जाएगी, सर्वव्यापी के ज्ञान से थोड़ी नई दुनिया बन जाएगी, एक व्यापी के ज्ञान से नई दुनिया बनती है। तो आप बुद्धि में दौड़ाओ कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, ये नया ज्ञान है कि पुराना ज्ञान है? सर्वव्यापी का ज्ञान तो दुनिया में भी सुनाया गया, और सर्वव्यापी ज्ञान जो है वो ब्रह्मा कुमारियां भी बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं, लेकिन फिर अधूरा बताती है, ये तो नहीं बताती एक व्यापी कहाँ, सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी तो बताओ जहाँ मन कॉन्सेंट्रेट हो सके। उसने ये भी पूछा कि बाप मधुबन में एक बोलते हैं कि मेरा मुकर्रर स्थान है और मैं वहाँ ही आता हूँ, परदेश में भी नहीं आता हूँ, विदेश में, तो वो वहाँ कहाँ से आया? कहाँ स्थान और टेम्परेरी स्थान वो भूले, यहाँ कहाँ से तो फैसला कर लो, कैसे आ सकता है? फैसला तो कर लो, टेम्परेरी स्थान कौन सा है और मुकर्रर स्थान कौन सा है, फैसला नहीं करना, करो आओ मैं जान जाओ। नया ज्ञान लो तब तो पता पड़ेगा, नहीं तो नहीं पता। ये भी जो नया ज्ञान है, टेम्परेरी कौन सा है, मुकर्रर कौन सा है बताओ? मुकर्रर वह है जो आज से अंत तक रहे, टेम्परेरी वह है थोड़े समय लिए रहे तो चला हो गए। तो बताओ ब्रह्मा का तन है कि गुजरात आदि का तन है या मुकर्रर तन कोई दूसरा है? पर ऐसा बोलते कि बाबा ने बोला है कि मैं आबू में ही आता हूँ, तो फिर वहाँ का आबू का अर्थ भी तो हर बात बेहद की भी तो है कि हद की है। आ माने आ, बू माने बदबू, जहाँ दुनिया की सारी बदबू आकर के इकट्ठी हो जाए वहीं पर भगवान आते हैं, गोवर्धन पहाड़ उठाते हैं आकर, तो बदबू का पहाड़ है उसका नाम है आबू पर्वत, हद में भी है बेहद में भी है, सूक्ष्म में ये सब बातें। हाँ जी सूक्ष्म में भी है ये बातें, वहाँ सारी ट्रेन की लाइन ही गंद है, दुर्वाड़ा गंद, दयाओ गंद, कमाल गंद, खुदा गंद, सास गंद, सारी लाइन पूरी ट्रेन ही गंदी गंद भरी पड़ी जहाँ भगवान आते हैं। वहाँ गंध का वातावरण जब तक आखिरी क्षण नहीं आ जाता है विनाश का, तब तक वो गंध का वातावरण खत्म ही नहीं होता। इसका स्थान का नाम ही है कामगंध। आप तो टाइम ही कम लेकर के आए, नियम ये है कि आप पूरी भट्टी कर लें, भट्टी करने के बाद फिर बाबा से मिले, आपका पता चला कि आप तो वातावरण से चले ही जाएंगे भट्टी करने, और फिर यहाँ आने के बाद भी पहले आप उधर चले गए, यहाँ आके पहले आप भट्टी करते, भट्टी करने के बाद फिर आपके बाबा कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं ऑल इंडिया, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाता है, अगर रह जाते आपको शायद इशारा दिया गया होगा, बताया गया होगा क्या आपको, जब अमृत मेला नहीं होता, माता जी के प्रोग्राम की बात बताई, बनाया था तो पहले आते ही आते भर्ती करनी थी, माउंट आबू का बाले बाद में प्रोग्राम बना लिए थे सेवा के साथ, तो वो नहीं हो पाया, रामा में जो नहीं था तो वो अमृत वेला नहीं होता है तो क्या बात से आपका बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होगा, आपके बच्चे का वारंट नहीं निकला होगा पुलिस में, तो बच्चे का वारंट निकल जाता है, बच्चा इधर उधर जंगलों में घूमता फिरता है, मारा मारा डोलता है, खाने में मिलेगा नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो माँ को चिंता होती है, कम हो जाएगा हमारा। आपने शिवबाबा को, शिवबाबा को अपना बालक नहीं बनाया ना, बालक
अलग अलग रिश्तों से बात, अलग रिश्ते बनाए बाबा जी बनाया, लेकिन कंपल्सन है माताओं को पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़ेगा, फिर दूसरे संबंध। अच्छा एक बात बताइए, ताप तो बिना शुरू हो जाएगा, ताप अमृत बिना करें ऐसा होता है। अभी बाबा एक क्वेश्चन है कि हमारे घर में ऐसे चिटकैट चलती है, हमारे परिवार में ऐसे चिटकैट चलती है कि 2012 की पहले यानी 2011 की पहले नवंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ऐसा समय आने वाला है। माया सभ्यता वाला है? माया सभ्यता कैसे की बात कर रहे हैं? केरल की बात कर रहे हैं बाबा जी। हाँ तो ऐसे 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 है कि जो लंदन का स्थान है तो ऐसे पानी आए, इतना पानी आएगा कि सारा लंदन बताते हैं मैप में कि सारा लंदन पानी में चला जाएगा। तो पिकनिक का स्थान रहेगा, पिकनिक का स्थान रहेगा। हाँ लेकिन मतलब बहुत टाइम बता रहा है, देश के जो सेवा केंद्र है वो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है 2012 में, नहीं 2011 के नवंबर में बता रहे हैं वो लोग। लेकिन कहते हैं कि सारा पानी में डूब जाएगा ऐसे बता रहे हैं। और मैं हमारा घर वो थैंक्स से 3 घंटे में ही पानी ऊपर आ जाएगा। मैंने बोला कि मैं उसी टाइम इंडिया चली जाएगी। तो ऐसे टाइम दिखा रहा है तो उसी टाइम हमारे को यहाँ ही भरना है, क्या करना है? मैं तो कहती थी मेरे को तो यही भरना है इंडिया में। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। प्रूफ पहले हर बात का मुरली से निकालना चाहिए। मुरली में बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनने में, तो कब से गिनेंगे 40 से 50 वर्ष? आपने अभी एडवांस कोर्स नहीं लिया फिर, और आप बताइए जब से हम शुरू हुए तब से, कब से शुरू हुई? तो अभी तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। बाबा 76 से गिनेंगे ना, 76 से काउंट करेंगे ना। क्यों 76 से क्यों करेंगे? ये कह रहे 36 से होना चाहिए, क्यों नहीं 36 में? तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होते, 76 में बाप प्रत्यक्ष। हाँ जब बाप आते हैं उस समय बहुत समूह प्रधान बच्चे बन जाते हैं, खास करके जिस तन में आते हैं वो टोटली समूह प्रधान होता है। में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो प्रत्यक्षता वर्ष हमारे यहाँ कब मनाया गया बाप का? 76 से काउंट करेंगे 40 वर्ष, कभी फिर आपका आपको रटा दिया गया है बाबा 2017 जो आया है वो बाप के सात्विक बनने का टाइम है, और उससे लेकर के 10 वर्ष और ऐड करें तो 50 वर्ष पूरे होते हैं। माने जो 108 देवताओं की माला है, रुद्रमाला है, वो तैयार होने में 2027 ये टाइम पूरा होना। राजाएं जब तैयार हो जाएंगे तो बाद में फिर प्रजा भी तैयार होती रहेगी, तो 36 आ जाएंगे। वो तो कैलकुलेशन सही है, 2012 का कैलकुलेशन कहाँ से निकाला?
दुनिया बोलती है। ये तो दुनिया में जो माया सभ्यता की जो कैसी निकली है उसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन दे दिया। माने हम ज्ञान को बिल्कुल भूल गए, बाबा के महावाक्यों को भूल गए, उनसे कोई लेना देना नहीं, दुनिया की बातों को हम स्वीकार कर ले। नहीं, वो क्या है कि भरोस की न्यूज में, सवेरे की न्यूज में ऐसा वहाँ पर आता है। न्यूज कौन बनाता है? न्यूज हमने विकारी मनुष्य बनाते हैं, शिव बाबा बनाता है विकारी मनुष्य। तो उनको न्यूज जो बनाएंगे वो न्यूज रॉन्ग होगी या राइट होगी? हाँ, ये हो सकता है कि 2012 में धरणी टैंक में है सो जाए, जो उन्होंने माया सभ्यता में घोषणा की है, तो वो धरणी हमारी चैतन्य धरणी है, जगदम्बा, जगदम्बा की बात है, जगदम्बा का जो मेंटलिटी है वो पलट सकती है। बाकी दुनिया टैंक में सो जाए 2012 में, ये नहीं, ये असंभव है, ज्ञान की विरुद्ध बात है। धरती धरती बहुत हो जाएगी, हाँ जी, सुर तो नहीं होगा, नहीं होगा धरती, धरती माने धरणी, पृथ्वी माता, चैतन्य माता, चैतन्य में, हाँ, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये देवताएं हैं, देवताओं के नाम है, देवताएं चैतन्य में होंगे या कोई जड़ होंगे? चैतन्य आत्माएं हैं, वो हमारे ब्राह्मण परिवार में, उनको जाके क्लास में सब रिपोर्ट बताएंगे। आज स्पेशली क्लास हो रहा है देवियों का, आना बहन आप पीछे क्यों बैठ गए, आगे बैठो आगे। ये भी वहाँ यूरोप में सर्जन है, और बीके में भी जाते रहे हैं, अभी एडवांस में कई साल। आपने अभी आपने शायद उषा माता का नाम सुना होगा, अभी नए नए आए हैं लंदन से, एक वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए हम बच्चों को, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों में दुर्गति पाई है, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात बुद्धिमान बाप के बच्चे मान नहीं सकते। शिव बाबा है बुद्धिमानों की बुद्धि और हम उसके बच्चे हैं, तो सुनी सुनाई बातों से भी विश्वास कर सकते हैं। माया सभ्यता की जो किताब है या जो कैसे थे वो सुनी सुनाई बातें हैं। अब 2012 में कुछ नहीं होगा, तो जिनको पक्का निश्चय बैठ गया है कि 2012 में ऐसा होने वाला है, जीजे आदमियों ने बोला, दादाओं ने बोला, वो उनको निश्चय बैठ जाएंगे, चाहे टूट जाएंगे भी मुहर में। हम कोई ज्ञान के बारे में बोलते ही नहीं कि आप कैसे कह सकते हो ये सब सच्चे, तो हम तो इसी जवाब देते हैं कि समय जवाब देगा, समय की राह देखनी पड़ेगी। समय जड़ है या चैतन्य है? जो कुछ बनेगा तो वो देखेंगे, टीचर की देखेंगी, समय जवाब नहीं देगा ना, समय को पलटने वाले हम बच्चे हैं ना बाबा के, हम बच्चों के द्वारा ही सारी दुनिया को जवाब देने वाले कौन है? हाँ हम जवाब देंगे, उसी रीत से सोच रहे हो कि जो होगा ना वो लोग देखेंगे फिर मानेंगे ना कि आप जो बातें कहते थे वो ठीक थी, हम रॉन्ग थे, ऐसा तो जब देखेंगे तब बोलेंगे ना। अभी आपकी बट्टी पक्की होके आएगी, माता जी के मिले तुझे। अब तुम हिंदी में समझेंगे अंग्रेजी में समझेंगे? ज्यादा अंग्रेजी प्रेफर करते हैं, हिंदी नहीं, हिंदी प्रेफर करती हूँ, हिंदी हिंदी में ही मुरली पढ़ती हूँ। अच्छा, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने से ओरिजिनल की ज्यादा मिलेगी, ट्रांसलेट करने से बात बदल जाती है, कोई वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है। हाँ, ये भी बात
जो आत्मा जानने सभी छोड़ देती है हाँ, तो वो आत्मा फिर से जानने ही आती है। ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता। मानवीय ज्ञान है वो अधूरा, वो असत्य है, असत्य का विनाश हो जाता है। ना सत्य विद्यते भावो, माने जो असत्य है उसका विनाश होगा, जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य ही ईश्वर है, गॉड इज ट्रुथ। गॉड का ज्ञान भी कभी विनाश नहीं पाता है। कभी छोड़ देंगे तो भी अगले जन्म आत्मा के साथ जाएगा। बच्चा जन्म लेते ही थोड़े समय के बाद जैसे ही बड़ा होगा तो ज्ञान की प्रभाव कर चुके होगा। हमने ये प्रश्न इसलिए पूछा, हमारे माता पिता ने भी ज्ञान नीचे से लिया था और अभी 3 बरस से फादर ने करीब थोड़ा ज्ञान नहीं और माता ने 10 बरस के बाद। तो कभी कभी मेरे को होता है कि अनुभव होता है कि मेरे पापा भी जैसे भी अव्यक्त किशोर हैं, ऐसे अनुभव होता है मेरे को। आपके पास कुछ है प्रश्नोत्तर है पहले से लिखे हुए ना? कुछ नए है नहीं है जो जो होता मैंने पूछ लिया आपको अभी क्या कदम है आता है पूछती जाती हूँ। बाबा यहाँ से भक्ति करने के बाद हम वापस जाएं और हमारी टीचर ऐसा बोले हमको कि आपको अब क्या निर्णय लेना है, यहाँ रहना है या आना है कि नहीं आना है, तो हम शिव बाबा का घर है तो जरूर आना है। ये शिव बाबा का घर नहीं है, आपका पर्सनल घर है तो नहीं आएंगे। वो लोग तो हमसे डिसीजन मांगेंगे। तो डिसीजन है हमारा, हम तो शिव बाबा के घर में जाते हैं, आपको भी ले जाएंगे। शिव बाबा का भी पक्का है, वो लेकर के ही जाएगा, किसी को छोड़ के नहीं जाता। बाबा के बच्चों का भी ऐसा ही होना चाहिए, सबको साथ लेके जाएंगे। बाकी आप हमें छोड़ना चाहें तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अपने घर की चार दीवारों में से आने के लिए मना कर देंगे तो हम समझ लेंगे हमने पूर्व जन्म में आपको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया होगा, हिसाब किताब पूरा हो। शूटिंग हो रही है, 5000 वर्ष की ड्रामा भी रिहर्सल हो रही। वो क्रोध में आएंगे, आप डरिए मत। ये राम के बाण हैं जो अंदर अंदर घाव करते रहते हैं। हमारी नॉलेज फुल नड़ंद है, वो बोलती है कि आप वहां जाते हो ना तो त्रेता वाला राम है ना, तो आप ऐसा समझ रहे आप त्रेता की आत्माएं, त्रेता वाली आत्माएं जा रही है ऐसा बोल रहे हैं। शूटिंग हो रहा है तो ये सब जो है जब वहाँ जा रहे हैं वो सब त्रेता वाले हैं, त्रेता वाले हैं ऐसा बोलते हैं। जो यहाँ रह रहे हैं वो तो पीछे जो है पीछे सब है वो सब सखी वाले हैं, और जो यहाँ आपको बात सुना रहे हैं और आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं वो सब पुरुषोत्तम संगम होंगे। वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो क्या कहते हैं वो लोकपद वाली आत्माएं हैं, इस वेरी डिगार्ड सोल ना राम के एलियन के वंश के हैं। हाँ हाँ ऐसे समझते हैं। उसे पूछा ऐसा कोई सत्युग का देवता है जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनता हो, एलियन न बनता हो? सत्युग की ऐसी कोई आत्मा है जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनती हो, फेलियर न होती हो, है कोई? फेल तो सबको होना पड़ेगा, माया किसी को छोड़ती नहीं है, ऐसा अहंकार तो कोई भी न करे। मुरली में तो ऐसे ही बोला है, तो जब सबको फेल होना ही है तो जो पहले पहले फेल हो गया वो फायदे में है, या जो बाद में फेल होंगे फाइनल पेपर में वो अच्छे हैं? तो फिर राम फेल हो गया, पास में फेल हो गया,
फाइनल पेपर में थोड़ी फेल हो जाएगा। ये तो बहुत क्लास में योग चल रहा था बाबा कि ये आत्मा जा रही है ना वापस आ जाए, तो फिर मेरी एक फ्रेंड है बोलती हम तो फेल हो गए, मैं ये ज्ञान में ना आऊं यहाँ भी ना आऊं, इसके लिए वो लोग योग कर रहे थे क्लास में। तो फिर वो मेरी नजदीक की मित्र है, फ्रेंड है वो ब्रह्म कुमारी, वो बोलती हम तो फेल हो गए, आप पास हो गए आप जा रही हो, नहीं जाओ इसके लिए हम योग कर रहे हैं। गुजराती आप गुजराती हैं? मैं तो गुजराती, तीनों गुजराती गुजर गई गुजराती की चलिए। लेकिन अच्छा हिंदी बोलना, बिकॉज हिंदी अच्छी हिंदी में एक्चुअली लैंग्वेज हिंदी है तो वो उसमें ही पढ़े बाबा असल में क्या कहना चाहते हैं वो हिंदी में ही पता चलता है, तो हिंदी हिंदी में ही पढ़ना है, हैदराबाद से यहाँ करना है। बिल्कुल कोर्स कराएंगे तो वहाँ हिंदी करके अगर बीच में जरूरत पड़े तो इंग्लिश बोल सकते कोर्स कराने के लिए उसको। जो माँ बाप की लैंग्वेज सो बच्चों की लैंग्वेज। ये कैसे हो सकता है कि माँ बाप की लैंग्वेज दूसरी हो बच्चों की दूसरी हो? असली बच्चे कौन है? हिंदी लैंग्वेज हिंदी माँ बाप की लैंग्वेज बता डाल दो। ये भी एक पॉइंट है। विदेश से आने वाली आत्माएं ज्यादा माला में नहीं आती है, भले दूसरे धर्म के मणके भी हैं माला में, बीज रूप में भी हैं, आधार मूर्त में भी हैं, लेकिन विदेश से टोटल विदेश से आने वाले और जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो चुके हैं वो ज्यादा इस माला में नहीं आते, क्योंकि ओरिजिनली उनकी हिंदी वीक होती है, हिंदी जानते ही नहीं। बाबा एक बहन कहते हैं कि ये जो बाबा की मुरली के जो महावाक्य है ना वो क्लैरिफिकेशन जो यहाँ से आता है ना वो ऐसा बोलते हैं कि मन धड़क है, वो मनुष्य की खुद की ये है खुद की बुद्धि से वो बोल रहे वो। अच्छा और ब्रह्मा बाबा के लिए ये नहीं बोला जा सकता? अगर कोई ब्रह्मा बाबा के लिए यही बात बोलने लगे तब उनको कैसा लगेगा? मन सच्चाई और झूठाई वो कोई चीज नहीं होती है, मन ही सब कुछ करता है। ऐसा ये बोलते हैं ये सब उन लोगों का ही प्रश्न मैं लेके आई हूँ, मैं जाके बोलू ना उनको। मनगढ़ंत का प्रूफ होता है? मनगढ़ंत का पक्का प्रूफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बहन। यहाँ तो हर बात का प्रूफ मुरली से देंगे। ये कहो कि तुम मुरली को ध्यान ही नहीं दिया है, अपनी बातों को झूठा सच्चा बनाने के लिए तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। हमारी भी बुद्धि घुमा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जगदीश भाई ने उनको ट्रेनिंग दी है इस तरह की कि उन बातों को कैसे झूठा साबित करो। जो मुरली से साबित हो रहा है उसको तुम झूठा कैसे साबित करोगे? एडवांस ज्ञान का तो बेस ही है मुरली और अव्यक्तवाणी। मुरलियां और अव्यक्तवाणियां अगर निकाल दी जाए एडवांस ज्ञान में से तो एडवांस ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमारे टीचर कहते हैं कि उनको बोलो अपनी वो अपनी मुरली क्यों नहीं चलाते, वो तो हमें भगवान की मुरली चाहिए या कि अपनी मुरली चाहिए, किसी व्यक्ति की मुरली चाहिए? तुम किसकी मुरली को प्यार करते हो? मुझे पूछे तुम किसकी मुरली को प्यार करते हो, क्या जवाब देंगे? उन्हें किसकी मुरली चाहिए? व्यक्ति की मुरली चाहिए, किसी व्यक्ति की मुरली चाहिए या भगवान की मुरली चाहिए?
अच्छा उनसे क्या जवाब देंगे? वो जवाब क्या देंगे? नहीं, आप समझिए वो क्या जवाब देंगे। आपको भगवान की मुरली चाहिए या किसी व्यक्ति की मुरली चाहिए? तो वो लोग तो ऐसा ही हमको आर्ग्यूमेंट करते हैं। आपको भगवान की मुरली चाहिए ना, तो भगवान की मुरली एक होगी या दो चार होंगी? एक ही होगी। भगवान की वाणी तो एक ही होगी, एक ही होगी, वो हर तरीके से एक ही होगी। और मुरली के पहले वो वाक्य लिखाओ जिन मुरली के वाक्यों में लिखा है, ऐसे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, आज वो बच्चे हैं नहीं। वो कौन थे? वही बच्चे अभी फिर आए हुए। इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा एडवांस कोर्स करो, तब पता पड़ेगा। सब कुछ ऐसा ही हम बोल देंगे। अपने कंधे का बोझ उनके ऊपर डालेंगे, वो नहीं चलेगा। खुद बात करे होंगे, वो नहीं आएंगे ऐसे। तब तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा ही नहीं, वो आगे घूमते रहेंगे। तो इसके लिए दो किताबें छापी गई हैं एडवांस में, सच्ची गीता खंड एक और सच्ची गीता खंड दो। सारे महावाक्य उसमें मुरली के और एडवांस ज्ञान के हैं, एडवांस वाणी के हैं, वो उसके अद्वैत वाणी के हैं। मैं वही पढ़ती हूँ। वही पॉइंट्स आप सारे उनको सुनाइए और वो ये कहें कि ये तो आपकी बनाई हुई किताब है, तो कहो इसमें एक भी वाक्य ऐसा दिखा दीजिए जो आपके माउंट आबू छपाई हुई मुरली में से न हो। हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं, आपकी माउंट आबू छपाई हुई मुरलियाँ हैं। जीवन मुक्ति हमको जहाँ ही लेनी है इसी जन्म में ना। ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा जिसका रिजल्ट हमें अगले जन्म में मिले? बुद्धू होगा या बुद्धिमान होगा? मुरली में तो बोला मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र, शरीर रूपी नैया, दोनों का खबैया एक भैया की ही बाप हूँ। एक ही बाप है जो तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया है। तो खेवैया नदी में यहीं डुबो देगा, शरीर को विसर्जन नदी में डुबो देगा, तो क्या फायदा हुआ? इसी जन्म में हम पढ़ाई पढ़ेंगे, इसी जन्म में प्राप्ति करेंगे। इसीलिए तो इस युग का गायन है, प्राप्ति इस युग में नहीं हुई, सत्युग में जाके अगले जन्म में प्राप्ति हुई, तो गायन इस युग का कैसे होगा, पुरुषोत्तम संगम में मुंच कैसे होगा? जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए। जीवन ही नहीं रहा, ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ के चले गए, जीवन मुक्ति मिली? ब्रह्मा सरस्वती को ही जीवन मुक्ति नहीं मिली तो उनके फॉलोअर्स को कैसे मिल जाएगी? जीवन मुक्ति का अर्थ ही क्या है? जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति तो कहाँ मिली? तो हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें पक्का प्रूफ दे इस बात का कि मुरली के अनुसार इसी जीवन में हमको नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। हमारी पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, तो अगले जन्म में बनेंगे। तो साकार बाबा यहाँ है तो परमधाम खाली है। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तो शिव बाबा यहाँ था या परमधाम खाली था? ब्रह्मा कुमार में ऐसा बोलते कि बाबा आते थे और फिर चले जाते थे,
ऐसा बोल सकते। क्यों जाते थे, जाने का कारण क्या है? शिव बाबा एक बार आ जाते हैं बाप के रूप में तो तब तक वापस नहीं जाते जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा थे तब भी वो वापस तो नहीं जाते थे? तब जाते थे। टेम्परेरी यज्ञ था? जाते थे। वो टेम्परेरी यज्ञ क्यों? टेम्परेरी का मतलब क्या है? आया राम गया राम। मुकर्र का मतलब क्या है? परमानेंट तब तक रहेगा जब तक कि पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए 2028 तक। पूरी राजाओं की पलटन तैयार हो जाएगी, बाप को चला जाना। राजा की स्थापन हुई, 108 की माला तैयार हुई, फिर बाबा को यहाँ क्या करना? बाबा अचानक चले जाएगा ऐसा मुरली में पाता है। अचानक चला जाएगा। अचानक क्यों चला जाएगा? अपना काम पूरा करके जाएगा। कोई साकार चीज थोड़ा ही है जो देखी जाएगा हाँ गया 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 वो गया। संस्था का संगम तो 1936 से 2036 तक नहीं रहे। हाँ 2036 तक। वो राजाओं के लिए प्रजा नहीं बनेगी, राजाएं पहले तैयार होगी प्रजा पहले तैयार होगी, तो राजाओं के लिए है वो बात। बाबा राजाओं को राजा बच्चों को बढ़ाने के लिए आता है या प्रजा को बना पढ़ाने के लिए आता है? तो राजाओं की पढ़ाई बताई 2028 की, तो प्रजा नहीं तैयार होगी। पहले जन्म की जो प्रजा है क्या बुद्धू होगी? पहले जन्म की प्रजा ज्ञानी तो आत्मा नहीं होगी? 84 जन्म पूरे लेने वाले नहीं होंगे क्या? वो भी तो ऑलराउंड पाठधारी है, ये आत्मा भी तो पूरे ड्रामा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है ना। बाबा ये जैसे हम लोग को शरद करने तो घर में मतलब बहुत ज्यादा अभी नहीं मानते हैं, मतलब घर वाले नहीं मानते हैं। अभी तो हम प्रसाद तेज कर लेंगे या मतलब अमृत देला तो ये लोग शांत हो जाएंगे, तो जंग मचाते हैं कई बार। कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रसाद से अमृत वेले के प्रसाद से आप उनको शांत कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। कई बार थोड़ा उज्जन मचा, मतलब हमारा दिल होता है कि यज्ञ सेवा करें तो घर में बड़ा कलेश कर देते। कले से एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो छोड़ के आते हैं हम, छोड़ के उनको आते हैं। क्या छोड़ के आ जाए? छोड़ के आ जाए माने सन्यासी बन जाए? हम जोर से बोले और आप में एक कान से सुने दूसरे कान से निकालते तो आप तंग होंगे? होंगे एक दिन जाएंगे बोलते हैं रोज उसके ऊंचाओगी महीने, मतलब हमारा दिल करता है कि यज्ञ सेवा करें, कहेंगे रोज रोज जाती हूँ एक दिन में। रोज रोज क्यों खाना खाते हैं, एक दिन क्यों नहीं खाते? तो वो नहीं समझते। ये हमारी आत्मा का भोजन है। आप देह का भोजन रोज करते हैं कि नहीं? बोलते तो तुम्हें निराली देखी है, बोलते तुम औरत तो निराली देखी है। बस हम निराला होके चलेंगे, हम निराले बाप के निराले बच्चे हैं। फिर हम सूखते जाते हैं अंदर, हमको बहुत संकल्प चलता है। क्यों चलते हैं आप? उनको वो अपने मुंह से बोलते हैं खाने की उद्दीप। ये क्या बात हुई? माने आप सन्यासी हैं, आप सन्यास धर्म के हैं, तभी तो आपको संकल्प आते हैं भागने के। आप सन्यास धर्म के नहीं हैं? नहीं। तो बीज क्यों बोते हैं? संकल्पों का बीज क्यों बो रहे हैं? आप सन्यास धर्म के नहीं हैं, गृहस्थ धर्म के पक्के हैं, फिर संन्यास धर्म के बीच क्यों बो रहे हैं भागने के? घर गृहस्थ छोड़ करके सन्यासी भागते हैं या गृहस्थी भागते हैं? नहीं, हम उनको कहते हैं तुम भी चलो ना, देख लो, चलो तुम भी चलो थोड़े देर, इतना कहते हैं हम उनको। आप डरते काहे के लिए? वो हमको इतना डराते हैं, बहुत डराते हैं। उनसे कहो आप क्यों डरते हो वहाँ चलने में? आपके अंदर कोई कमजोरी बड़ी हो रही है इसलिए आप डरते हो,
वो कमजोरी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, चुप हो जाएंगे। बाबा राधा का प्रेम, राधा का प्यार सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा या मीरा का, और तबीयत में क्या रहस्य है? राधा का प्यार सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा या मीरा का? मीरा कलयुग में हुई है, द्वापर से बोलते हैं मीरा, द्वापर में मीरा थोड़ी हुई है। अरे मीरा हिस्ट्री की चीज है, हिस्ट्री में तिथि तारीख सब निश्चित की हुई है। अभी से लगभग 800 साल पहले मीरा हुई है, तुलसीदास के जमाने में। तुलसीदास कलयुग में हुए हैं या सब द्वापर में हुए हैं? तो फिर तुलसीदास के जमाने में मीरा हुई है। मीरा, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, ये सभी एक ही युग के हैं। वो कलयुगी, वो श्रेष्ठ युगी, राधा की कैटेगरी की मीरा कैसे हो सकती है? क्या तेरा नाम मीरा है क्या? मेरा नाम तो मीरा नहीं बाबा, वो ना तो नाम ही तो मीरा है। बाबा वो गाने में सुनते हैं ना, इस वजह से वो दो तरीके के डेफिनेशन देते तो हम लोग ही कंफ्यूज करते हैं। मीरा का भी नाम तो सीता का भी नाम, हाँ राधा का भी नाम, दोनों को इकट्ठी मिलाते हैं। वो तो दुनिया भी गीत बनाए हुए तो दोनों का ही नाम है। तो बाबा तो मतलब मेन वो श्रेष्ठ किसका माना जाएगा, क्वेश्चन घूम रहा था दिमाग में। अर्थ को पकड़ो, मीरा का अर्थ होता है सहजादी, मीर साहब माने सहजादा, इसलिए काश मीर, काश मैं भी सहजादा होता। ऐसे ही मीरा माने सहजादी, और राधा तो महारानी है। हाँ फिर वो कह रहे हैं कि साल में एक बार मधुबन जाना चाहिए तुम्हें वीकेंड। वो तो कह रहे हैं कि हमारी कमाई होगी, आएंगे पंडे पुजारी यही कहेंगे, जाना चाहिए कि नहीं जाना, आएंगे तो हमारी कमाई होगी, नहीं आएंगे तो फिर हमारी कमाई बंद हो जाएगी। बाकी बाबा ने तो कहा है गो सुन कम सुन, एक साल में क्यों जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ, भर के जाओ, भर के जाओ और बरसात करके आओ, पार्टी लेके आओ, ठीक है। खाना वाना खिला दिया लोगों को, खाना वाना खिला दिया, चला फिर खिला दिया, खाना हो गया।